तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज के बारे में आप जान लीजिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। आगे जब आप यूज करेंगे, वीवीए यूज करेंगे या भी रिपोर्ट यूज करेंगे या पिवट में कई सारे रिपोर्ट्स हम यूज करते हैं, तो यहाँ आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए कस्टम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं और सेशन को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज मुझसे व्हाट्सएप पे लिंक दे दीजिए। कस्टम फॉर्मेटिंग पहले जानिए करता क्या है। सिंपल सी बात समझ जाइए कि मेरे पास कोई नंबर्स लिखा हुआ है और जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम किसी और तरीके से शो करना चाहते हैं। जो नंबर है उसको हम कुछ और तरीके से शो करना चाहते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2563 यहाँ पे दिख गया आपको, हम चाहते हैं कि ये 2563 जो है इसके आगे एमआरपी लग जाए। तो बोलेंगे तो इसे कस्टम फॉर्मेटिंग क्या हाल है, हम यहाँ पे डायरेक्ट एमआरपी 2563 लिख देंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको मैनुअल लिखोगे तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा, तो सिर्फ टेक्स्ट की तरह रह जाएगा ना। तो यहां पे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, कि नंबर रहे एक्चुअल में नंबर पर दिखे वो जो मैं चाहता हूं। अब कस्टम फॉर्मेटिंग क्यों किया, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग आपका जस्ट विजुअलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कैसे होता है। अभी जैसे देखा आपने कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एमआरपी और यहाँ पे जीरो लिखा, ओके किया यहाँ पे। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास चेक नंबर है और चेक नंबर में 00123 मान लीजिए, मतलब बहुत सारे चेक होते हैं ना, तो जीरो हट जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि जीरो ना हटे, जीरो दिख रहा है जैसा जीरो है वैसा ही रहे, जीरो हटे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कोट लगा के 00123 डालते हैं। लेकिन ये तो जो टाइप आप कर रहे हो तो ऐसा टाइप कर देंगे, लेकिन किसी ने टाइप ऑलरेडी करके आपको भेज दिया है तब क्या करें। किसी ने ऑलरेडी टाइप करके आपको भेज दिया होगा, कस्टम पे जाके सर जनरल पे जीरो बढ़ा देंगे सर, उस पे टाइप कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने जीरो डाल दिया। आप देखिए यहाँ पे आपका जीरो दिख रहा है, लेट हो गए सर। हाँ जी सर, थोड़ा लेट हो गया। अब इसमें इस तरह से ये कर सकते हैं, उसी तरह से मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर वगैरह है तो वहां पे भी आप इस तरह की चीजें कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं समझाना ये चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे नंबर में हमने जीरो डाला था, हम यहाँ हैश भी डाल सकते थे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 जीरो डाले, सिंगल जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 2 जीरो डाला हुआ है तब क्या होगा,
टू भी जीत लेगा भाई। तो यहाँ पे जीरो और हैश डालना जरूरी तो है आपको, अगर मान लीजिए कि आप जीरो हैश कुछ भी नहीं डालते हैं तो ये आपका इस तरह से सिर्फ वही नंबर ही शो करेगा। आपका नंबर ही शो करेगा, तो यहां पे नंबर और जीरो डालना जरूरी है। नहीं तो जो अगर इसमें आप जीरो डालते हैं, डबल जीरो करते हैं, तो आपका जैसे कि हमने फाइव लिख दिया तो जीरो फाइव हो जाएगा, हैश डालेंगे तो जीरो फाइव नहीं होगा। तो जीरो या हैश डालना जरूरी है ताकि आपको नंबर शो करना है, तो अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर जीरो हैश के बारे में अगर हम बताएं आगे डिटेल में। अच्छा ये कुलदीप जी, मैंने इसकी एक क्लास ले रखी है क्या आपको? हाँ ये सर, एक क्लास ले रखी है। इसमें जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा है जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे जो निगेटिव है पॉजिटिव है और सेल है, जो निगेटिव है वो लॉस है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पॉजिटिव नंबर है उसके आगे प्रॉफिट लिख देना है और निगेटिव नंबर के आगे लॉस। तो यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दिया प्रॉफिट। देखिए इसके कुछ पार्ट होते हैं कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला, कोई भी टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा डाले अंदर ही डालेंगे, फिर सेमी कोलन डालेंगे और मैंने यहाँ पे लॉस दे दिया। तो ये देखिए क्या है कि पहला पार्ट जो होता है वो आपका पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका निगेटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ओके कीजिए, ये आपका प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया। लेकिन मुझे इसके साथ इसका वैल्यू भी चाहिए, तो इस प्रॉफिट और सेमी कॉलन से पहले आप जीरो लगा दीजिए या हैश लगा। अब देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिख रहा है। मान लीजिए इसमें जीरो तब क्या होगा, प्रॉफिट है तो जीरो है, मैं छोड़ना चाहता हूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में ये हमने दो रखा, तीसरा सेमी कॉलम करते हैं वो जीरो को इफेक्ट करता है। तो यहां पे हमने लिख दिया No profit, no loss, और फिर जीरो कर। और चौथा टैक्स के लिए होता है। तो इस तरह से आप जो है जीरो नेगेटिव पॉजिटिव टैक्स से इंडिकेट कर सकते हैं और डेटा आपके डेटा में जो डेटा इसमें डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज भी करते रहे। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला ऑप्शन इसमें आता है हमारा कि अगर मैं इसको कलर भी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो लॉस है वो कलर हो जाए, तो लॉस से आगे यहां पे आप दे दीजिए रेड। हो गया, तो इस तरह से आप कलर भी कर सकते हैं। तो क्या कोई कई कंडीशन पे आप कलर कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि 100 से ऊपर वाले को तो कलर अलग हो और उससे नीचे वाले को कलर अलग हो, तो हाँ हम इसको भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, चलिए ये चीज हम आपको समझाते हैं।
इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कस्टम में आते हैं और कस्टम में हमारे पास यहाँ होता है स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दिया रेड, रेड फिर दिया कंडीशन लेस देन 100, फिर सेमी कॉलम देंगे यहाँ पे, फिर वापस देंगे ग्रीन, और फिर यहां पे होगा लेस देन ग्रेटर देन 100। ठीक है, इस तरह से आप कंडीशनल करण भी दे सकते हैं। अब डेट के ऊपर आते हैं, हम डेट की बात करते हैं। तो अगर आपने डेट लिखा हुआ है तो इस डेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि यहां MMDDD है ना, डी होता है डेट के लिए, एम होता है मंथ के लिए, एन वाई होता है ईयर के लिए। तो यहां अपने हिसाब से डीडी MM वगैरह जो करना चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम होती है टाइम पे, जैसे कि हमने अगर किसी का ओवर टाइम निकाला है कि 45 मिनट और 30 सेकेंड, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे विजुअल के लिए कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हो, आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे अब इसमें कोई ये हम ये नहीं कर सकते, इसमें किसी तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 2730 बट एक्चुअल में आपका ये डेट एंड टाइम ही है, एक्चुअल में मुझे चाहिए। तो इसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इसको सेलेक्ट करें और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आप एम लिख दें और एंटर प्रेस कीजिए, तो आपका देखिए 2730 आ गया। अगर इसी में आप यस लिख दें तो सेकेंड हो जाएगा, आवर लिखेंगे तो आवर, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और साथ में हम इसका यूज करते हैं इसमें टेक्स्ट के लिए भी हम कस्टमर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कंपनी नेम लिखना है, तो कंपनी नेम में मुझे जो है M/S हमेशा लगाना है और IP कंपनी नेम लगाना होता है। तो आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, कस्टम में आइए और कस्टम में आने के बाद यहां पे M तो जीरो एंड हैश नंबर्स के लिए होता है और @ जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। एंड ओके करेंगे। अब मैं यहां पे IPT लिखता हूं, आप देखिए आ गया। एड्रेस है हमारे पास, एड्रेस में लास्ट का मान लीजिए जो पिन नंबर है या फिर सिटी होता है सेम है, तो हमने क्या किया, कस्टम में गया, @ लगाया, उसके बाद लिखा न्यू दिल्ली 110062। हमने यहाँ पे IPT लिख के एंटर मारूंगा या फिर मैं यहाँ पे F202 करके एंटर मारा, आप देखिए न्यू दिल्ली 110062 आ गया।
एक बार मैंने चेक की फॉर्मेटिंग बनाई थी, हमने बनाया था कि चेक को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, तो हमने इसको बड़ा किया। जैसे मान लीजिए कि हमने 1500 लिखा, साइड में जो स्पेस बच गया है उसमें मैं चाहता हूँ कि स्टार डैश या कैरेक्टर आ जाए, जैसे चेक तो होता है। तो यहाँ पे हम गए एट द रेट को दो बार स्टार लगा के ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको छोटा करूंगा तो कम जाएगा, बड़ा करूंगा तो बढ़ जाएगा। ये चीजें कस्टम फॉर्मेटिंग से होती है, पर कस्टम फॉर्मेटिंग से यहाँ पे कंडीशनल हमने कलर किया, इस तरह की कलर का जो फैसिलिटी है वो कस्टम फॉर्मेटिंग में कम है। इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या हो सकता है, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जिसमें विस्तार रूप से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसमें ग्रेटर देन 50 वाले हाईलाइट्स हो, और हाईलाइट में अपने से ग्रेटर देन 50 तो हमने यहां भी किया, लेकिन इसे सिर्फ टेक्स्ट की कलर किया है, मुझे बॉर्डर वगैरह भी चाहिए, मुझे अलाइनमेंट वगैरह भी चाहिए, पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वहां आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहां सेलेक्ट कर लीजिए कि ग्रेटर देन और मान लीजिए 50, और यहाँ पे पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स हैं, इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं, अगर ए सुटेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करें, यहां नीचे कस्टम फॉर्मेटिंग आपको दिखेगा, क्लिक कीजिए। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आपका नंबर की फॉर्मेटिंग, कस्टम की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइनमेंट सब कुछ आ जाता है, जो आपको सुविधा लगे वो सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, ये आपका हो गया। और ये मैनुअल अप्लाई नहीं हुआ है, ये डायनेमिक है, जैसे कि 70 अभी आपका कलर्ड है क्योंकि ग्रेटर देन 50 है, जैसे ये चेंज होगा आप देखिए यहाँ आपका चेंज हो गया, ठीक है। और कोई अगर मान लीजिए कि चेंज होता है तो पूरा अप्लाई हो जाए, तो एक कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू होता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या क्या है, तो सबसे पहले यहां आप देखेंगे तो हाईलाइट सेल्स रूल्स है, मतलब कि आप सेल्स की जो कलर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हैं। फिर इसके टोटल्स की टोटल हाइएस्ट टॉप 10 अबव एवरेज वगैरह ले सकते हैं, इस पे आप बार का इस्तेमाल कर सकते हो, इस पे आप कलर का शेप दे सकते हो या आइकन दे सकते हो, ये सारा वैल्यू की पोजीशन के अकॉर्डिंग अपडेट होता रहेगा। तो इस रूप में डिटेल के साथ आपको हम कल पढ़ाएंगे, अभी मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग आपकी दो क्लास में खत्म की है, तो मुझे आपसे कुछ इनपुट चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कस्टम फॉर्मेटिंग के तकरीबन 10 एग्जाम्पल बना के दें जो मैंने यूज ना किया है।